Hello everyone. So this is Tejal and welcome back to my channel Makeup Graphy. So guys, आज का टॉपिक है कि हम किस तरह हमारी छोटी आंखों को बड़ा दिखा सकते हैं मेकअप की हेल्प से। अगर आपके हुडेड आईज है, अगर आपके आईज में स्पेस कम है, तो इसे हम किस तरह बड़ा दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हुडेड आईज क्या होती है, सो गाइस, ये जो हमारा ब्रो बोन होता है और लैश लाइन होती है, इसके बीच में काफी ज्यादा कम स्पेस होती है और ये जो आई सॉकेट होता है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, उसे कहते हैं हम हुडेड आईज। तो इसे हम किस तरह बड़ा दिखाए, तो यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको सबसे पहले कलर कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जो लाइट कलर होता है वो हमारे आईज को इनहांस करता है, जो डार्क कलर होता है वो हमारे आईज को दबाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइलाइटर चिक्स पे लगाते हैं तो जो हमारे चिक्स है काफी ज्यादा उठ कर दिखते हैं, हाईलाइट होते हैं, और कॉन्चरिंग करते हैं तो जो हमारे चबी चिक्स होते हैं वो इजिली स्क्लब्ड दिखते हैं। तो मतलब अगर आपकी जो हुडेड आईज है काफी ज्यादा अंदर है, काफी ज्यादा छोटी है, तो ऐसी आंखों पर आपको लाइट कलर यूज करना होता है। अगर आप ऐसी आंखों पर स्मोकी आई करोगे या डार्क कलर करोगे तो उस वजह से जो उनकी आंखें और ज्यादा छोटी दिखेंगी एंड वो बीमार से दिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह आपको कलर यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, ऐसी आंखों पे आप एक से दो शेड के अलावा तीसरा आई शेडो नहीं लगा सकते। उसका रीजन ये है कि आंखें होती है छोटी और जब हम तीन कलर लगाते हैं उसके लिए थोड़ी सी स्पेस हमें बड़ी चाहिए होती है। तो आप आपके क्लाइंट्स को हमेशा ऐसा समझाएं कि आपकी आंखें छोटी है मैम, तो हम आपको सिर्फ दो कलर लगा के दे सकते हैं। आप उन्हें डेमो में तीन कलर भी लगा के बता सकते हैं, जिसके वजह से फिर वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए कि उन्हें किस टाइप का आई लुक चाहिए। तो अब मैं आपको करके बताती हूँ आई मेकअप की, आप किस तरह अपना आई लुक क्रिएट कर सकते हैं हुडेड आईज पे। ओके गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मैंने अपना आई लुक नहीं किया हुआ है। सो मैं अब आपको बताती हूँ, जिसके भी हुडेड आईज होती हैं, जिसके आईज में जो साइज है थोड़ा छोटा होता है, उनकी जो क्रीज लाइन होती है काफी ज्यादा नीचे होती है। आप मेरी क्रीज लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस है, प्लस मुझे ब्रो बोन के नीचे भी स्पेस मिल जाती है, लेकिन जिसकी हुडेड आईज होती है उनकी इतनी स्पेस नहीं होती है। तो ऐसे में हम फेक क्रीज लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगी कि आप कोई भी इस टाइप का फ्लैट ब्रश ले लीजिए एंड देन आप काफी ज्यादा लाइट कलर लेंगे, जैसे कि मैं अभी ये वाला लाइट शेड ले रही हूँ, ब्राउन शेड, एंड जो आपकी ओरिजिनल क्रीज लाइन है, ओके, तो उसके यहां से शुरू करके ये जो एंड में क्रीज लाइन होती है आप उसके थोड़े ऊपर आपकी फेक क्रीज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं आपको करके बताती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। सो आप दोनों भी आईज में डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो मेरी आईज है थोड़ी सी बिगर दिख रही है एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड वाली आईज, ये थोड़ी छोटी दिख रही है, ठीक है। सो आप ऐसा भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपकी जो क्रीज लाइन है वो काफी ज्यादा नीचे है तो आप उसे थोड़ा फेक क्रीज लाइन ड्रॉ करके आप इस तरह की क्रीज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस टाइप के कलर चूज कर सकते हैं आपके हुडेड आईज पे या आपके स्मॉल आईज पे। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ न्यूड आई शेडो पैलेट, जो कि आई थिंक है कलर बार का। सो आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे लाइट शेड है। सो आप ये स्टार्टिंग के 3 से 4 आई शेडो कलर यूज कर सकते हैं हुडेड आईज के लिए, क्योंकि जो जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि जो डार्क कलर होता है वो हाइड करता है एंड लाइट कलर इनहांस करता है, और हमारी जो हुडेड आईज है हमें उसे इनहांस करना है। इसलिए आप कुछ इस टाइप के कलर ले सकते हैं, शिमरी गोल्डन कलर, शिमरी पिंक कलर, या आप मैट पिंक कलर ले सकते हैं, मैट कोरल कलर ले सकते हैं। तो इस टाइप के कलर आपको आपके हुडेड आईज के लिए चूज करने हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटफिट है वो काफी ज्यादा लाइटिश ग्रीन कलर का है एंड इसके ऊपर कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स दिए, दैट्स व्हाई मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है।
सो अब मैं अपना आई लुक कैसा करूंगी, मैं ग्रीन कलर का अपना आई लुक करूंगी। अब आप लोग बोलोगे कि ग्रीन कलर तो जो होता है वो थोड़ा डार्क में आता है ना, सो हम ग्रीन कलर मेटालिक ग्रीन कलर लेंगे, काफी ज्यादा यू नो एकदम एग्जैक्टली सेम ये कलर का ग्रीन कलर लेंगे मेटालिक में। मेटालिक में इसलिए कि उसमें थोड़े होते हैं शिमर, जिस वजह से जो हमारी आईज है वो पॉप होकर दिखेंगी, उठ के दिखेंगी। अगर आप सेम ग्रीन कलर डार्क में ले लेंगे या मैट में ले लेंगे तो जो आपकी आंखें हैं वो अगेन कैसी हो जाएंगी, दब जाएंगी। बट हमें हमारी जो हुडेड आईज है, जो छोटी आंखें हैं, उसे क्या करना है, इनहेंस करना है। इसलिए मैं यहाँ पे मेटेलिक आई शेडो यूज करूंगी। सो अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी, तो हमें कहाँ तक आई शेडो अप्लाई करना है, सो जहां हमने ये फेक क्रीज लाइन ड्रॉ की थी आपको वहां तक आई शेडो ब्लेंड करना है। मैं आपको दूसरे आंख पे सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल होता है क्रीज वहां तक ड्रॉ करके बताऊंगी, और दूसरे आंख पे जहां तक हमने फेक क्रीज ड्रॉ किया वहां तक आई शेडो ड्रॉ करके बताऊंगी। सो आपको दोनों में डिफरेंस इजीली समझ जाएगा। सो आप देख सकते हैं गाइस, जहां हमने फेक क्रीज लाइन ड्रॉ करी थी मैंने वहां तक एक कलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब जो हमारी ओरिजिनल क्रीज लाइन है, मतलब कि ये वाली, अब मैं ये सेम कलर आपको वहां पे ब्लेंड करके बताती हूँ, तो आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी ओरिजिनल क्रीज लाइन थी वहीं तक ये मैंने ड्रॉ किया है, एंड जो हमने फेक क्रीज लाइन बनाई थी इससे मैंने वहां तक किया है ब्लेंड। तो आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं कितनी ज्यादा छोटी दिख रही है और ये कितनी ज्यादा यू नो हमारी जो क्रीज लाइन का एरिया है वो कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोनों भी। सो इतना फर्क पड़ता है फेक क्रीज लाइन ड्रॉ करने में एंड ओरिजिनल क्रीज लाइन तक कलर ब्लेंड करने में। सो अब मैं अगेन ये वाला कलर जो है जहां हमने फेक क्रीज लाइन बनाई थी वहां तक इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब गाइस यहाँ पे मेन चीज है आई लाइनर। तो मैंने काफी सारे गर्ल्स को देखा है जिनके जो आई शेप होते काफी ज्यादा छोटा होता है एंड वो काफी ज्यादा बोल्ड काजल लगाते हैं, जिस वजह से ना उनकी आंखें खुली है या बंद है पता ही नहीं चलता। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी गाइस, अगर आपकी भी हुडेड आईज है तो आपको जेल आई लाइनर या लिक्विड आई लाइनर स्किप कर देना है। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने की वजह से जो आपकी हुडेड आईज है वो थोड़ी सी हैवी दिखने लग जाती है एंड जिसकी वजह से जो आपकी आंखें अगेन छोटी दिखती है और अंदर दिखती है। तो अब आईलाइनर किस टाइप का लगाना है, सो गाइस मैं यह आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा आईलाइनर थोड़ा सा स्मज वाला लगाया करें, जिसके वजह से जो आपकी आंखें है उसे एक अच्छे से डेफिनेशन में मिल जाएंगी और आपके आईलाइनर का भी काम हो जाएगा। सो आईलाइनर में अब यहाँ आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आईलाइनर के लिए आपको ब्लैक कलर नहीं लेना है, डार्क ब्राउन कलर ले, उसके वजह से जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ी सी खुली हुई दिखेंगी, और ब्लैक कलर लेंगे तो आपकी जो आंखें अगेन एज इट इज ही बंद दिखाई देगी। सो मैं अभी जो स्मज आईलाइनर लगाऊंगी वो भी थोड़ा सा डार्क ब्राउन लूंगी, जिसके वजह से आप डिफरेंस देख पाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं आईज में हमारी स्पेस भी बड़ी दिख गई, आंखें भी बड़ी दिख रही है, काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। अब जब आती है बात मस्कारा की गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी आंखें काफी ज्यादा छोटी है तो प्लीज फेक फॉल्स आईलैशेस थोड़ी सी इग्नोर करें, क्योंकि उस वजह से आपकी जो आंखें और बल्गी दिखती है और बड़ी दिखती है। इसलिए आप लैश को अच्छे से पहले कर्ल कर ले, तो मैं यहाँ पे अपनी जो लैशेस है उसे अच्छे से कर्ल कर लूंगी, देन मैं इसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी। सो आप देख सकते हैं मैंने अपनी लैशेस अच्छे से कर्ल कर ली है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, जिसके बाद काफी ज्यादा यू नो डिफरेंस दिखाई देता है। आप देख सकते हैं आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने ये हमारे आईज में स्पेस भी दिख रही है, इवन हमारी आईज सुंदर भी दिख रही है। आप चाहो तो आपके जो टियर डक है वहां पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा सकते हो, ताकि जो आपकी आईज है थोड़ी सी और इनहांस हो जाए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सो
अब दिख रही है हमारी आईज काफी ज्यादा बड़ी। होप गाइस ये टिप्स एंड टेक्निक आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एज अ न्यू यूट्यूबर गाइस हमारा चैनल काफी ज्यादा पीछे चल रहा है, तो प्लीज अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है एक वैलेंटाइन मेकअप लुक। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।